बट यू नो बिफोर आई इंट्रोड्यूस हिम आई वॉन्ट टू से वी सी ए स्टूडेंट्स हैव नेवर गिव अप एटीट्यूड. वी कैन नॉट गिव अप ऑन समथिंग इजीली, राइट? यस प्लीज. यस बट डू नॉट फॉरगेट वी आर ह्यूमंस. समटाइम्स वी फील डिसअपॉइंटेड फ्रॉम आर सेल्स. जैसे कि आज रिजल्ट है, ठीक है, तो नेगेटिव आया होगा किसका, तो उनको भी डिसअपॉइंटमेंट फील हुई होगी, राइट? सो वी मे फील डिसअपॉइंटेड फ्रॉम आर सेल्स, वी फील पेसिमिस्टिक एंड वी फील नाउ आई कैन नॉट डू दिस. बट यू नो वॉट, इट इज जस्ट लाइक एन इलनेस. वी नीड सर्टन मेडिसिन टू क्योर दिस काइंड ऑफ इलनेस. नाउ वॉट कुड बी द मेडिसिन? Certainly, we need motivation. We need someone who can guide us. We need a mentor. We need someone who can solve our doubts. So for providing such medicines, let me introduce one of the legendary faculty of our CA fraternity, who is a chartered accountant by profession and a teacher by passion, who has more than 10 years of experience in teaching direct taxation and international taxation. And he is the author of India's first handwritten DT book named Compact and other taxation books. वैसे इतना सिंपल इंट्रोडक्शन मैं नहीं देने वाला, मैंने एक शायरी प्रिपेयर की है उनके लिए, सो प्लीज. थैंक यू. जिनके मोटिवेशन के लिए तरसता है जमाना, जिनके मोटिवेशन के लिए तरसता है जमाना, जिनका पैशन है बच्चों को इनकम टैक्स पढ़ाना, जिनकी खासियत है टफ इनकम टैक्स को इजी बनाना, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सीए भंवर बोराना. ओके डन. थैंक यू एवरीवन. Yes, people. Is I am audible? Okay, so always आप लोगों ने सुना होगा good morning, good afternoon, good evening to all of you. तो मैं उसी से चालू करूंगा कि like good morning, good afternoon, good evening to all of you. कैसे हैं सब लोग? Hope so आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे. मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा कि जैसे ही मुझे यहाँ से इनविटेशन मिला तो मैंने उस दिन पक्का किया था मैं अहमदाबाद जाऊंगा और आप लोगों से मिलूंगा, क्योंकि जिस ऑडिटोरियम में आप लोग बैठे हो ना, वहीं पे मैंने दो बार लेक्चर ले चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां पे पढ़ाना. मुझे ICI की जितनी भी बिल्डिंग्स है उसमें सबसे अच्छा ऑडिटोरियम जो है वो अहमदाबाद वाला लगता है. इतना प्यारा लगता है वहां पे, बहुत अच्छा लगता है. तो सबसे पहले मैं उस चीज को मिस कर रहा हूँ आज कि शायद मैं आप लोगों से मिल पाता, लेकिन ड्यू टू द क्लासेस मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ. मॉर्निंग इवनिंग लेक्चर्स एंड ऑल चल रहे हैं, रिजल्ट्स एंड ऑल, तो उसकी वजह से मैं आ नहीं पाया. तो उसके लिए सबसे पहले आप सब स्टूडेंट से सॉरी, और उसके साथ साथ में जो भी अहमदाबाद ब्रांच वाले जो है उनसे भी सॉरी फॉर दैट. बट मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब भी अपन पक्का वाला कोई सेमिनार रखेंगे, जिसमें बहुत बड़ा सेमिनार रखेंगे और जिसमें मैं पक्का आप लोगों से आके मिलूंगा. So first of all, I like to thanks a lot to the Ahmedabad branch of the WIRC, or especially Harit Dhariwal sir, chairman, Rahul Maliwal sir, Vikasa chairman, or Divya, Jaslin and Khushi, jo Vikasa member hai, or Jay, jisne bahut hi pyara introduction diya, bahut hi achhi shayari boli. So thanks a lot to you. Uske saath saath mein baki jitni bhi faculties hai, Mehul sir hai, Palak sir hai, Jagnesh sir hai, wo apne aap mein bahut bade expert hai mere se, sab log bade senior hai. Main un sabse junior hu. तो मैं आप लोगों को आज जो इस लेक्चर में बताने वाला हूँ, अपन कोई ऐसी बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे. अपन नॉर्मली जो बात करते हैं कि एग्जाम, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो दिया गया है मोटिवेशन और एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना है. बिकॉज यहाँ पे सब लोग जो है वो सीए के स्टूडेंट है, सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल वाले रहेंगे. सबसे पहली चीज तो आज आपने टैक्स ऑडिट के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी होगी. मैं मेरी बात करूँ तो मैंने तो जब ऑफिस में टैक्स ऑडिट किया था तो मैं वो क्लॉज पढ़ता भी नहीं था. मैं तो क्या करता था, पिछले साल क्या किया था, जो पिछले साल किया था अगर पिछले साल किसी क्लॉज में यस लिखा था तो इस बार मैं भी यस लिख लेता था, ठीक है. और पिछले साल अगर नो लिखा था तो मैं भी इस बार क्या कर देता था, नो लिख लेता था. शायद आप ऐसा नहीं करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है, बट मैंने ऑडिट करते टाइम यही किया था कि लास्ट टाइम की ऑडिट रिपोर्ट निकाल दो,
लास्ट टाइम का 3CB 3CD में क्या था, उसमें कहां कहां यस था वहां वहां इस बार हम यस रखेंगे करके, ठीक है, और जहां जहां पे नो था वहां वहां हम लोग नो रखेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है आप लोग ऐसा नहीं करोगे। आज आपको इतनी एमिनेंट फैकल्टीज ने टैक्स ऑडिट के बारे में बताया, हर क्लॉज के बारे में बताया, और जो भी आपको पढ़ाया गया है वो एग्जाम में आता है। आप देखोगे जो भी ऑडिट्स है, ऑडिट है उसके साथ टैक्स का पेपर है, उसमें आप 269SS की रिपोर्टिंग देखोगे, टी की रिपोर्टिंग देखोगे, ST की रिपोर्टिंग देखोगे, ऐसी बहुत सारी सेक्शन है, जैसे 50C है, 56210 है, उसके साथ में 43CA है। ये ऐसी सेक्शंस है जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आती है, आप ऑडिट में भी देखते हो, और उसके साथ साथ में आप लोगों को ये लाइक एग्जाम में भी आती है और ऑफिस में भी आपको देखने को मिलती है। बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग जब आर्टिकलशिप करते हैं तो आर्टिकलशिप में अपन ऐसा समझते हैं कि बड़ा बर्डन है, बट ऐसा नहीं है गाइस। जो आप आर्टिकलशिप में काम कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं पे आपके काम आने वाला है। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब मैं आर्टिकलशिप करता था तो हमारे ऑफिस में क्या होता था, आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होता है टैक्स का, बट हमारे टाइम पे पेमेंट बैंक जाके करना पड़ता था, काउंटर बैंक काउंटर पे पेमेंट करना पड़ता था, और उसका जो चालान नंबर आता था वो फिर हम रिटर्न अपलोड करते टाइम वो डाल देते थे, और वो डालने के बाद हमारा रिटर्न फाइल होता था। तो हमारे ऑफिस में नॉर्मली ये प्रैक्टिस थी कि लाइक जैसे फॉर एन एग्जांपल आज एक क्लाइंट आया और क्लाइंट ने बोला कि सर आज हमारा रिटर्न फाइल कर लो, तो हमने बोला ठीक है हम आपका रिटर्न फाइल कर लेते हैं। हमने रिटर्न फाइल किया, कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद उसका जो भी प्रॉफिट आता था उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया उसको एक चालान बना के दिया कि भैया ये चालान है और ले जा, और ले जाने के बाद में तू टैक्स भर के ला के दे दे चालान का कॉपी, तो हम रिटर्न फाइल कर देते हैं। वो बंदे को जब हमने चालान दिया ना, वो चालान लेके आता था 10 दिन बाद, कभी कभी 15-20 दिन बाद आता था। अब आप समझो कि जब वो 20 दिन के बाद आएगा अपने ऑफिस में वापस चालान लेके पेमेंट का, तो हम जैसे ही वो चालान नंबर इंसर्ट करेंगे, जैसे ही रिटर्न फाइल करने जाएंगे, तो वहां पे टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती थी ड्यू टू द इंटरेस्ट, बिकॉज 234 जो बी का इंटरेस्ट है, 234A का इंटरेस्ट है, वो कंटिन्यू रहता था, और उसकी वजह से लाइबिलिटी बढ़ गई। तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, मेरे ऑफिस की बात करूं तो हमारे ऑफिस में तीन तरह के आर्टिकल पाए जाते थे। एक तो वो वाले आर्टिकल जो बड़े स्कॉलर रहते थे, बड़े स्कॉलर मतलब बड़े ही दिमाग वाले लोग रहते थे, वो क्या करते थे कि सीधा वापस से दूसरा चालान बना देते। फॉर एन एग्जाम्पल 5000 बढ़ गया, तो 5000 का एक दूसरा चालान बना के, और दूसरा चालान बना के वो क्लाइंट को दे देते थे, वो क्लाइंट वापस लेके जाता था, 15 दिन बाद वापस आता था, मतलब उनका वो काम चलता रहता था, ठीक है, 2-4 बार वो ऐसा बेचारे को करवा देते थे। एक पहले तरीके के आर्टिकल। दूसरे तरीके के जो आर्टिकल रहते थे वो आपके जैसे बड़े इंटेलिजेंट लोग रहते थे, वो क्या करते थे अपने पास में कैलकुलेटर जरूर रखते थे उनके डेस्क पे। आपने देखा होगा आपके ऑफिस में भी ऐसे आर्टिकल रहेंगे जिसके डेस्क पे कैलकुलेटर जरूरी है, ठीक है, और बड़े इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। वो क्या करते थे, इनकम को कम करते थे, और इनकम को इतना कम करते थे जिससे कि टैक्स वापस सेम आ जाए। और इनकम को कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, इन अवर ऑफिस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज अ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, हमारे ऑफिस में क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज अ बैलेंसिंग फिगर। आज तक क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू नहीं किया हमने, हमको प्रॉफिट बढ़ाना है क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दो, प्रॉफिट कम करना है क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दो, और आपका प्रॉफिट कम ज्यादा हो जाएगा इजीली। तो मेरे ऑफिस में जो दूसरे वाले लोग थे वो क्या करते थे कि क्लोजिंग स्टॉक को इतना कम करते थे जिससे कि प्रॉफिट वापस सेट हो जाए और टैक्स इतना आ जाए जितना पहले भरवा के आए, और वो रिटर्न फाइल कर देते थे। बड़े प्यारे लोग थे, उसमें इंटीमेशन नहीं आती थी। लेकिन तीसरे कुछ हमारे जैसे भी लोग थे, हम क्या करते थे, क्यों इतना एफर्ट ले करके, ठीक है, सबसे पहले क्लाइंट को भी ना अपन चालान बना के देते थे, ना हम प्रॉफिट को सेट करते थे, हम जैसा था एक सॉफ्टवेयर फॉलो होता था, कंप्यूटेक्स जीनियस वगैरह आपके ऑफिस में भी ऐसे सॉफ्टवेयर फॉलो होते होंगे, तो उसमें हम क्या करते थे, वो इंटरेस्ट को एडिट करने का ऑप्शन देता था, जैसे कंप्यूटेशन पे जाओ एस्केप मारो और वो इंटरेस्ट को एडिट कर दो, इंटरेस्ट 5-4 कम कर दिया, जो आता था जितना एकदम सेट हुआ रिटर्न फाइल 101% इंटीमेशन आएगी, और 101% डिमांड आने वाली है इंटीमेशन में, बट तब तक अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी करके, ठीक है। तो और आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद तो आप लोग ऐसे बिहेव करते हो अपने बॉस के साथ में जैसे हम तो आपको जानते ही नहीं थे। कभी कॉल आ जाता है आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद सर से कि वो फाइल कहां पे है, तो अपना रिएक्शन कैसे रहता है पता, कौन सी फाइल, कौन सा क्लाइंट, हम तो जानते ही नहीं क्लाइंट को, क्या हम घर पे लेके आए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वैसा नहीं होना चाहिए, ये मेरे एक्सपीरियंस थे ऑफिस के जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। होप सो आप सब लोग ऐसी चीजें ना करो, और जो भी आपको सिखाया गया आज टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, आप सब क्लॉज बाय क्लॉज बहुत अच्छे से स्टडी की होगी आपने, और उसको ऑफिस में आप इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि वो ही जो है वो आपके एग्जाम में आने वाला है करके, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज मुझे ये बताई गई
कि सर एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, सब लोग सीए फाइनल या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट रहोगे, तो मैं आपको एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ऑब्वियसली जब हम इंटरमीडिएट में आए हैं या सीए फाइनल में आए हैं तो अपना ऑब्जेक्ट है सीए कंप्लीट करना, बिकॉज सीए कंप्लीट करने के बाद की लाइफ सच में अलग है। और जो सीए कंप्लीट कर लेते हैं ना उस टाइम की जो खुशी होती है ना, दैट इज द अमेजिंग अमेजिंग खुशी करके, ठीक है, मतलब वो लाइफ में पहली बार ऐसा होता है जब आंखों में आपके आंसू आ जाते हैं खुशी के, वो एक ही बार होता है जब आप सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल क्लियर करते हो। सर क्या सीए सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? आंसर इज नो। आप उसको कैसे लेते हो करके, ठीक है, आप उसको कैसे समझते हो, क्या चीजें करते हो, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, बिकॉज ये ऐसा तो एग्जाम नहीं है ना कि 10 दिन अपन पढ़ लेंगे और 10 दिन में जाके और एग्जाम दे देंगे और हम कुछ क्रैक कर लेंगे, कुछ तीर मार लेंगे, ऐसा नहीं है करके, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने भाला फेंका, उसमें उनको गोल्ड मिला, गोल्ड के पीछे की मेहनत आपको पता नहीं है, वो बंदा लास्ट के 10-15 साल से कितने एफर्ट लगाया, उसने खाने का कितना सेक्रीफाइस किया है, उसने कितनी बार नींद सेक्रीफाइस की होगी, कितनी बार बाकी सब चीजें सेक्रीफाइस की होगी, कितनी उसने पढ़ाई की होगी, उसके बाद में जाके, मतलब पढ़ाई तो नहीं की होगी ऑब्वियसली उस काम में, ठीक है, बट भैया उसके बाद में जाके उसको गोल्ड मिला है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था जिसका आज सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, और अर्जुन मेहरा करके स्टूडेंट का नाम है, मुझे बड़ा प्यारा बच्चा लगा, आप भी जाके देखना उसका इंटरव्यू, अभी लिया मतलब एक घंटे पहले ही, बड़ा प्यारा इंटरव्यू लगा उस बंदे, छोटा सा बंदा है, इंटरमीडिएट अभी क्लियर किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, बट उसके जो थॉट्स है ना वो थॉट्स बड़े खुले हुए थे। वो बंदे को पता था मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ में मैंने अहमदाबाद वालों के भी कुछ इंटरव्यू लिए हैं, जिसमें देवेश करके है जो अहमदाबाद से ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है, और ऑल इंडिया रैंक में अगर आप देखोगे तो उसका 13 रैंक है। आपको शान करके बड़ौदा का बंदा है, उसका भी इंटरव्यू लिया है। उनसे आपको काफी चीजें सीखनी चाहिए। आप जब भी कोई भी बंदा जो है सक्सेसफुल हो जाता है उससे आपको सीखनी चाहिए और आपको अपने लाइफ में उतारनी चाहिए, ठीक है। Obviously, ऐसा बहुत बार होता है कि रैंक लाते उनमें कुछ एक अलग पावर होती है, ठीक है, हो सकता है वो अपने में पावर नहीं है, बट उनको देख के अपन मोटिवेट तो हो सकते हैं, अपन मेहनत तो कर सकते हैं, और वो मेहनत जब आप करोगे ना, क्योंकि इंसान जो सोचता है ना वैसा वो करता है, और जैसा करता है ना वैसा वो बन जाता है। आप जो सोचोगे ना कि नहीं भैया मुझे ये करना है, आपने सोचा मान लो कि मैं सीए का एग्जाम दे रहा हूं, इस एग्जाम में मुझे पहली बार में क्रैक करना है, तो ये आप सोच रहे हो, अब उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, और जब आप अपने एफर्ट्स लगाते हो तो आप जैसा चाहते हो वैसा आप बन जाते हो। एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं आपको 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा जो आप ध्यान रखोगे। सबसे पहली चीज, आप जो है ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप, अभी आपकी जो आर्टिकलशिप चल रही है आप साथ साथ में पढ़ाई करते रहोगे। ऐसा नहीं होता है कि लास्ट के 2 महीने पढ़ के और हम 30 मार्क खान बन जाएंगे, हम रैंक ला लेंगे या हम क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको साथ साथ में पढ़ना रहता है। आर्टिकलशिप में जितना टाइम मिलता है आपके पास, दिन के 2 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, जितना टाइम आपको मिले उस टाइम में आप पढ़ाई करो, और आपको पढ़ाई करनी है साथ साथ में, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको पढ़ना है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपको 4-5 महीने का टाइम मिलना चाहिए, एटलीस्ट 4 महीने आपके पास होने चाहिए जब आप छुट्टी पे जा रहे हो तब, और 4 महीने आपके पास होने चाहिए वो, और उस 4 महीने में सिर्फ एंड सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, लाइक देखो यार, हम लोग प्रोफेसर है, हम लोग पढ़ाते हैं, लाइक पढ़ाने वालों का रोल सिर्फ 1% रहता है, ठीक है। अल्टीमेटली आप लोगों को पास कौन करा सकता है पता है? आप खुद करा सकते हो, आप खुद है, खुद ही अपने आप को पास करा सकते हो उस दुनिया में, और कोई भी नहीं है जो आपको पास करा सकता है। बहुत बार होता है कि सर अपन डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कि लाइक बहुत बार ऐसा लगता है अपना जो मेंटल है फट रहा है, दिमाग में कुछ जा रही नहीं रहा है, ऐसा बहुत बार होता है, आपके साथ नहीं हमारे साथ भी होता है। आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है और एक इंटरनल मोटिवेशन है। एक्सटर्नल में ये वाली है जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको सुन रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, शायद आप अपनी लाइफ में इसको उतारोगे, या फिर आप YouTube पे कुछ वीडियोस देखते हो, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हो, जैसे आपने संदीप महेश्वरी को देखा, उसके कुछ वीडियोस देखे और उनके बाद आपने थोड़ा टाइम मोटिवेशन फील किया, दैट इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल मोटिवेशन। बट ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलता, इसकी प्रॉब्लम ये है ना, ये कुछ टाइम चलता है, मतलब ये 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, 4th दिन चलता है, और 4 दिन के बाद वापस जैसे थे अपन करके, ठीक है, जैसे अपन थे पहले वैसे हो जाते हैं, ये सेम वैसा ही होता है जैसे आपने कभी ना कभी किसी जिम की मेंबरशिप ली होगी करके, ठीक है। जब अपन जिम की मेंबरशिप लेते हैं, मैंने तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ नहीं, जब भी अपन जिम की मेंबरशिप लेते हैं तो पहले दिन जब जाते हैं ना तो वो ट्रेनर बोलता है कि भाई तू 5 kg उठा, बट अपन बोलते नहीं यार ऐसा कैसे 5 kg, हमको देख के लगता है 5 kg, हम खुद ही मतलब 100 kg के, तो हम क्या 5 kg उठाएंगे, हम 40 kg उठाएंगे, ठीक है।
तो वो पहले दिन आप 40 kg उठाने लग जाते हो, मतलब धमाल, क्योंकि मोटिवेटेड थे उस दिन, क्योंकि किसी ने आपको कुछ बोल दिया था कि आप ऐसे अच्छे नहीं लगते, आप जिम जाओ। अपन जिम गए, पहले दिन गए बहुत मोटिवेटेड, दूसरे दिन और बैग खरीद लिया, शूज खरीद लिए, बोतल खरीद लिया, सब चीजें अपन ने प्रिपेयर कर ली, ठीक है। उसके बाद में तीसरे दिन जो है वहां पे भी जाते हैं, चौथे दिन अपने को लगने लगता है यार क्या मतलब करके, ठीक है, छोटी सी तो जिंदगी है और ये जिंदगी भी ऐसे ही दुख में बिता देंगे जिम जाके, क्या मतलब करके, ठीक है। तो अपने आप को समझाता है इंसान करके, ठीक है। फिर पांचवें दिन बोलता है यार क्या फर्क पड़ता है, अपने वो फ्रेंड वो भी तो मोटा ही है, उसको भी तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी तो जिम नहीं जाता, वो भी तो इतना अर्न कर रहा है, तो मैं क्यों सोचूं। 7 दिन के बाद में अपन जैसे थे पहले करके, ठीक है, जैसे थे पहले अपन एक रोटी खाते थे, अब 7 दिन बाद 2 खाने लगेंगे, चिंता किस लिए, खाने के लिए है करके, ठीक है। और यहाँ पे तो अहमदाबाद में तो अपने वो क्या क्या मिलता है, खमन, और वो मतलब एक है ना रायपुर दरवाजे पे बड़ी सी एक अपने है, वो क्या बोलते हैं, बड़ी सी दुकान है रायपुर दरवाजे पे, लाइन लगती है वहां सुबह सुबह करके, ठीक है, वहां पे लाइन लगती है, शाम को वहां जाओ, वहां माणक चौक में जाओ, वहां लस्सी आइसक्रीम वाले के बाहर लाइन लगी हुई, अपन वहां जाएंगे। So that is called your external motivation, जो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है, एक मोटिवेशन जो होता है ना वो चलता है जो इंटरनल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन मतलब आप है ना दिन में कम से कम 1 घंटा अपने आप से बात किया करो। आप जो बाकी से बात करते हो व्हाट्सएप पे, कॉल पे, बाबू सोना थाना थाया है नहीं, ठीक है, वो सब चीजें ठीक है करके, ठीक है, लाइफ में वो होनी चाहिए, बट अल्टीमेटली आप अपने आप से कितनी बात करते हो। बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चे देखे अपने आप से बात ही नहीं करते। आप जिंदगी में कभी अपने आप से बात की, ठीक है, अपने आप से बात की, और अपने आप से जब बात करोगे ना दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ मोटिवेशन। आप अपने आप से पूछोगे क्वेश्चन और अपने आप ही उसका आंसर करोगे। सेल्फ मोटिवेशन कैसे हो सकता है, या तो आप किसी भी मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ और मिरर के सामने ये समझो कि वो जो मिरर के अंदर जो बंदा है वो कोई दूसरा बंदा और तुम दूसरे बंदे हो। एक तो ये तरीका होता है जब मिरर में कोई दूसरा है और आप उससे पूछ रहे हो क्या रे अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है कि नहीं करना, ठीक है, आप पहले उससे पूछ रहे हो जो मिरर में बंदा है उससे, फिर आप खुद ही आंसर कर रहे हो करके, ठीक है, यस करना तो है, यही सोच के तो आए थे सीए में करके, ठीक है, एग्जाम के कितने दिन बचे हैं, तो बोले 30 दिन बचे, कितनी मेहनत कर रहे हैं करके, ठीक है, और फिर आप अपने आप से जवाब दो और फिर उसके बाद में आप फील करो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके साथ में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बड़े सुलझे हुए लोग रहते हैं जिनको मिरर की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद ही अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करके और खुद ही अपने आप से बात कर लेते हैं कि नहीं यार अपने लिए ये चीजें सही है, ये चीजें है जो आपके लिए गलत है। बिकॉज है ना मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे ना करके, ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए एग्जाम, जब एग्जाम टाइम वाला जो है आपका 4-5 महीने, वो टाइम जो है वो आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बहुत सारी चीजें है जो आपको डिस्टर्ब करती है, सोशल मीडिया जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ सोशल मीडिया इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपका एग्जाम हो जाए, जब आप फ्री बैठे हो पूरे दिन सोशल मीडिया ही देखना, कुछ भी नहीं करने का, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में ना पूरे दिन सिर्फ सोशल मीडिया देखने का, कोई भी रील्स छूटनी नहीं चाहिए अपने से करके, ठीक है, जब तक वो बोल ना दे अपना इंस्टाग्राम करके, ठीक है, कि भैया आपने पूरा कैच कर लिया यहाँ पे, तब तक रुकने का नहीं। ये कब करने का, जब आपका एग्जाम ना हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना टाइम जो है, जो बेस्ट टाइम रहता है, जैसे मॉर्निंग का टाइम, उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये तुम नहीं ये हम भी करते हैं करके, ठीक है, उठते ही सबसे पहले ये देखते हैं इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, वो हनीमून पे गए हैं, कहां मालदीव्स गए हैं, वो कहां मॉरिशस गए, अपन यहीं पे अहमदाबाद में बैठे हैं करके, ठीक है, मैं बताऊं कोई मतलब नहीं है इससे, इससे अपनी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आया, कुछ भी नहीं आया। सो गाइस, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जस्ट लाइक आप दूसरों की लाइफ को अपने से कंपेयर करना छोड़ दो। पहली चीज, डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनी अदर पर्सन। आप हो और आप अपने आप में बहुत ही अलग हो करके, ठीक है, जो चीजें आपको लाइफ में डिस्टर्ब करती है ना उसको छोड़ दो। सोशल मीडिया वगैरह यूज करना चाहिए, इट्स गुड, बट मैंने है ना, मैं एक चीज नोटिस की, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ जो सक्सेसफुल भी हो गए या जो अनसक्सेसफुल है, तो मैंने सक्सेसफुल लोग जो हुए, जो एग्जाम्स में वगैरह क्लियर हुए फर्स्ट अटेम्प्ट वगैरह, उनमें एक चीज मैंने कंपेयर की कि वो बड़े सुलझे हुए लोग रहते हैं। सुलझने का मतलब यहाँ पे है कि उनके कंट्रोल में चीजें रहती है। अगर आपको मान लो व्हाट्सएप पे यूज करना है, वो आधा घंटा करना है, तो वो फिर आधा घंटा ही करते हैं, ठीक है, वो फिर ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं यार अपन तो मतलब लगे हैं, वो चैट है, वो चैटे बन रही है करके, ठीक है, लंबी लंबी चल रही है, 2-2, 3-3 घंटे तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखोगे। दूसरी चीज है ना, जब भी आप प्लान करते हो पढ़ाई के लिए, जैसे आप 4 महीने के लिए छुट्टी लेते हो और जब आप पढ़ाई के लिए प्लान करते हो, आपकी प्लानिंग बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए, और प्रॉपर प्लानिंग वो होनी चाहिए जो आप एग्जीक्यूट कर पाओ। और उसके साथ साथ में आपको ना सबसे पहले तो अपनी नोटबुक में ये लिख लेना है कि मुझे ये मटेरियल से पढ़ना है,
और मटेरियल आप लिख लो पहले और उसके ऊपर फिर वर्क करना चालू करो, फिर दुनिया में कोई भी आके बोल देना कि नहीं नहीं यार ये मटेरियल सही नहीं है, आपको तो ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है। तेल लेने गया, गोज टू बाय ऑयल करके मैं बोलता हूँ उसको, तेल लेने गए को, तो गोज टू बाय ऑयल, वो तेल लेने गया, अपने को से कोई मतलब नहीं है। जो आपने लिख लिया कि मुझे ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है और इसी पे अपना 100% देना है और उसी को फिर आप एग्जीक्यूट करो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, प्लानिंग तो बड़ी अच्छी कर लेते, प्लानिंग कैसे कर लेते हैं पता है, क्योंकि मोटिवेशन है ना, बहुत बार क्या होता है आउटसाइडर जो मोटिवेशन आता है ना वो प्लानिंग भी चेंज कर देता है, वो जिम वाला केस करके, ठीक है, कि जैसे ही अपने को मोटिवेट हो जाते हैं अपन ऐसी प्लानिंग करते हैं कि आज से अपन 22 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। अरे भाई सोच, बोलने से पहले, सोचने से पहले, प्लान करने से पहले सोच तो ले 22 घंटे होते क्या है या 20 घंटे होते क्या है, पढ़ना कितने घंटे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जो है ना वो 10 घंटे पढ़ के भी रैंक लाते हुए मैंने देखे है। अगर आप 8-10 घंटे दिन में बहुत अच्छे से पढ़ लो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इतना अगर आप कर लो तो बहुत है करके आपकी लाइफ में। उसके साथ साथ में आपको हमेशा ध्यान रखना है करके, ठीक है, क्या लाइक आपको खुद के समरी नोट्स वगैरह बनाने हैं, और समरी नोट्स वगैरह जो भी आप बनाते हो, जो भी आप पढ़ते हो उसको रिटेन करना है। मतलब क्या होता है ना, बहुत बार आज आपने पढ़ा और फिर दूसरे दिन जाके वो आप भूल जाते हो, तो जो आज आपने पढ़ा दूसरे दिन वापस आज का आपको पढ़ना है, फिर आपने पढ़ा तो फिर वो दो दिन का आपको पढ़ना है, और जब तक वो टॉपिक या सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको ऐसे पढ़ना है करके, ठीक है। उसके बाद में आप अच्छे लोगों के साथ में रहा करो। एक बड़ी दिक्कत आती है कि अच्छा अपना ग्रुप नहीं मिलता करके, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ में रहा करो, मोटिवेटेड लोगों के साथ में रहा करो, जो ऐसे लोग हैं ना जो आपकी सक्सेस के साथ में रहे, आपकी सक्सेस से वो खुश हो। ऐसा नहीं कि आपकी सक्सेस से लोग जलने लग जाए, वैसे लोगों के साथ में नहीं, नेगेटिव लोगों के साथ में नहीं, आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो। और मैं बता दूं कोई बड़ी बात नहीं है सीए फाइनल या इंटरमीडिएट का एग्जाम निकालना, आप इजीली निकाल सकते हो करके, ठीक है। तो यही मेरे को आपको जो चीजें, कुछ चीजें आपको बोलनी थी जो मैंने आपको बोली करके, ठीक है। और रिविजन वगैरह है उसका पूरा ध्यान रखो और बड़े मोटिवेटेड रहा करो। और मेंटल हेल्थ है ना वो बड़ी जरूरी है। मेंटल हेल्थ में मैं 2 मिनट के लिए आपसे सिर्फ बात करना चाहूंगा कि क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार जब अपन पढ़ते हैं तो अपन सब चीजों पे ध्यान देते हैं, फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत बार ध्यान देते हैं, बट मेंटल हेल्थ है ना उस पे बड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, अगर आप एक बार थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए, आपको थोड़ा सा ऐसे नेगेटिव फील आने लग गया, तो वो चीजें बढ़ती जाती है, वो एक कुआ है करके, ठीक है, वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उसके बाद ऐसा एकदम फट जाएगा ना दिमाग करके, ठीक है, कि उसमें फिर आपके 15-20 दिन है वो खराब हो जाएंगे। सो बेटर है आप ऑलवेज मेंटल हेल्थ है उस पर ध्यान दिया करो। अगर आप योगा करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, अगर आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती है जो आपको बड़ा पॉजिटिव रखती है, आपको गाना गाना पसंद है तो आप गाना गाया करें करके, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को डांस करना पसंद है, आप वो करो, जो चीज आपको अच्छी लगती है ना वो करनी है। और एग्जाम के टाइम पे भी मैं बता दूं, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते टाइम हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे पढ़ना है, हर रोज कम से कम 1 या 2 घंटा आप जो बाकी काम करते हो, आपकी जो हॉबीज है, अगर आपको खेलना पसंद है आप खेले, अगर आप जिम जाना पसंद है आप जाए, आप मोबाइल पे टाइम पास करोगे, उससे बेटर है आप ये बाकी सब चीजें करोगे, जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और साथ साथ में आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, यही कुछ चीजें थी जो आपको बतानी थी। और मैं सॉरी वापस बोलना चाहूंगा आप लोगों से एज वेल एज द अहमदाबाद ब्रांच से कि मैं वहां पे आ नहीं पाया, क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट ब्रांच है अहमदाबाद ब्रांच, क्योंकि मैंने जब पढ़ाना चालू किया था उस टाइम पे, मतलब 2015 या 2016 में मैंने पहला सेमिनार लिया था जब मैं ऑनलाइन चालू किया था, तो मेरे लिए सबसे अच्छी ब्रांच है, तो बहुत अच्छा लगता अगर मैं आपसे मिला होता, बट सॉरी फॉर दैट। और थैंक्स अ लॉट अगेन टू द अहमदाबाद ब्रांच चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर, ऑल कमिटी मेंबर एंड सबसे प्यारे हमारे विकासा के स्टूडेंट। मैं विकासा स्टूडेंट के लिए कुछ बोलना चाहूंगा। आपको लगता होगा कि ये प्रोग्राम जो होते हैं ये प्रोग्राम ऐसे ही हो जाते हैं, नहीं, इसके पीछे सबसे ज्यादा जो मेहनत करते हैं ना वो विकासा के बच्चे करते हैं, जो विकासा के स्टूडेंट्स रहते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए। सो थैंक्स अलॉट टू ऑल ऑफ यू विकासा स्टूडेंट और विकासा मेंबर और विकासा कमिटी मेंबर, थैंक्स अलॉट सर। If you have any doubt, then you can ask me. If you have any doubt, then you can ask me. बाकी हम लोग YouTube वगैरह पे तो मिलते रहेंगे हर बात। आपका कुछ doubt है, आपको कुछ बोलना है, आप बोल सकते हैं। Anyone? Thank you so much, sir, for such a wonderful session. I just want to say one thing. वैसे तो आपका vote of thanks शैली करेगी, but सिर्फ 2-3 lines है। आज तक पूछी मशाल थे हम। वाह 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 वाह, अरे सब सब शायर ही शायर हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बात मस्त है, सब शायर हैं यहाँ पे। आज तक पूछी मशाल थे हम, मन में बस एक ही सवाल था कि क्या ही कर लेंगे, आज
आपने जो चिंगारी बुझाई है, क्या पता कल पूरी दुनिया रोशन कर देंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ मोटिवेशनल सेशन। थैंक्स अ लॉट। Now it's time for Q&A session. So if any one of us have any sort of question to be asked, to be addressed by Bhavar sir, so we can. So anyone, any question? Okay, so we will go by here. Sir, can you hear us? Yes, bilkul. Sunai de raha hai bhai. Yeah. thank you so much sir for motivating us but I'd like to ask a question on something that demotivates us, and like particularly me, but baki students it must be demotivating them also, that the thing is ke, when we set for this CA journey, we set certain standards for ourselves. Wo like agar long term plan pakad lo ya short term plan pakad lo ki main meri articleship mein ye karunga, mere study mein I'll achieve this much by this month, ya fir mera ye subject main khatam karunga. But some majority of the time students set some unrealistic targets for themselves, which is a good thing actually. You should never aim lower in life. But the thing is that jab hum ye goals achieve nahi kar pate, nothing demotivates us more than this. So how to tackle this sir? Dekho sabse pehli cheez to hoti hai aapke goal setting karke, theek hai? Agar goal settings aapke, matlab log bolte hai ki jo bahut bade goal apne aap mein rakh lene chahiye karke, theek hai? Main aisa nahi manta hu karke, theek hai? Main aaj DT padha raha hu. और आपको ना अपने गोल्स को थोड़े शॉर्ट, मतलब कैसे है ना, कम ड्यूरेशन के लिए रखने चाहिए. जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी आप एग्जाम देने वाले हो तो 6 महीने का आपका गोल हो सकता है कि मेरे को अभी एग्जाम क्लियर करना है. अभी आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये गोल सेट नहीं कर सकते कि मुझे पीएम बनना है इंडिया का, ठीक है? ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल. अभी आपके लिए वो नहीं है, वो जब होगा तब हो जाएगा, ठीक है? जब उस लेवल पे अपन पहुंच जाएंगे उसके बाद हो सकता है आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, उसके बाद आप पीएम भी बन जाओ. बट अल्टीमेटली अभी आपको है ना गोल, आप एक बड़े लंबे लेके चलते हो, इतने लंबे लेके मत चलो, ठीक है? शॉर्ट ड्यूरेशन के गोल रखो कि भैया अभी मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, और बाकी जो है वो ऊपर वाले पे छोड़ दो करके, ठीक है? वो सब चीजें देखता है. आपके एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए. अल्टीमेटली जो आपका जो डेस्टिनेशन है वो तो, मतलब ऑब्वियसली कोई ना कोई इस वर्ल्ड में एक पावर है वो सेट करती है, बट ऑब्वियसली अपन अपने एफर्ट्स पूरे लगाने चाहिए. तो आप अपना गोल सेट करो और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई 3 साल बाद वहां पे पहुंचना है, वो 3 साल इतना लंबा गोल अभी आप बता नहीं सकते. या उस वहां पहुंचना है तो उसको शॉर्ट शॉर्ट पार्ट में आप डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद आप अपने एफर्ट्स है वो एफर्ट्स में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए. उसके बाद मिलना ना मिलना करके, ठीक है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में. और लास्ट के 2 साल में आपने देख लिया दुनिया कितनी अनसर्टेन है करके, ठीक है? ये 2 साल ने तो दुनिया को ये सिखा दिया. मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहां से कहां थे और कहां से कहां पहुंच गए करके, ठीक है? ये 2 साल ने तो बड़ी अनसर्टेनिटी लाइफ में लाई. तो लाइक, और कभी भी आपका अगर मान लो जो अचीव नहीं हो पाता है तो डोंट फील डीमोटिवेटेड. दुनिया में फेलियर जो होता है ना वो ही आपको सक्सेस पे लेके जाता है करके, ठीक है? आप एलोन मस्क के बारे में देखोगे, जब उसको वहां पे वो रॉकेट भेजना था स्पेस में, तो उसने कितनी बार, उसने अपना सब कुछ दाव पे लगा लिया. मतलब जिंदगी में जो था वो सब कुछ दाव पे लगा लिया, बट उस बंदे का जो पैशन था, उसके लिए जो हार्डवर्किंग जो था, हार्डवर्क उसने वो पुट किया और वो वहां तक वो पहुंचा. और आज वर्ल्ड में बोलते हैं पहले या दूसरे नंबर पे इतना पैसे वाला बंदा है, तो वो ऐसे ही नहीं बना है. उसके पीछे उसकी सोच है, उसके पीछे उसका हार्डवर्क है, उसके पीछे उसकी मेहनत है करके, ठीक है? बट आप डोंट फील द नेगेटिव इन दैट. मैं बताऊं, आप जो कभी कभी ये नेगेटिव फील करते हो, आप जो ये लाइफ जी रहे हो ना, ये वर्ल्ड में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी ये ख्वाहिश है आपकी लाइफ जीना करके, ठीक है? आज आपको पता है, आप बाहर जाके देखो लोग कहां से कहां पे है, कहां से कहां पे लोग आ गए करके, ठीक है? सो दैट्स इट. All right. Any other question? Thank you so much, sir, for the positivity. Thanks a lot. Bye. Yes, next question. Yes. Okay. Yes. Hello, sir. Yes, bhai. I saw your story. आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे, so you were in a confusion, right? टीचर ऑल्सो, सो मेरे पास भी ऐसा कुछ आ सकता है फ्यूचर में. तो देट टाइम सी आई नो मेनी टीचर्स हु आर स्ट्रगलिंग इन द बिगिनिंग, राइट?
दो दे मींस उन्होंने पैशन फॉलो किया बट दे वर स्ट्रगलिंग बट नाउ दे आर वेरी मच सक्सेसफुल लाइक यू राइट. तो आपके आपका जो ये डिसीजन था वो आपने किस तरह से लिया था एंड किस किसने सपोर्ट किया था एंड किस किसने कुछ और ओपिनियन दिया था आपको सर इफ यू वांट टू शेयर. यस यस श्योर. तो व्हेन आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2011 में मेरा हुआ था क्लियर. 2012 में रिजल्ट आया था जनवरी में. सो दैट टाइम लाइक मैंने ना ज्यादा पढ़ा नहीं रखा था. अपन ने कितना पढ़ा रखा था अपने गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल होती है तो गवर्नमेंट स्कूल में हम जाके बच्चों को 11 12th का अकाउंट पढ़ाते थे और बच्चों को कुछ ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लेते थे. तो उससे अपने को ये लगता था पढ़ाने में एक मजा आता था क्योंकि जब आप पढ़ाने जाते थे तो आप खुद नोट्स प्रिपेयर करते थे फिर आप अपने आप को अच्छे से आप उसको डिलीवर करते थे बच्चों को समझ में आता था तो अपने को मोटिवेशन मिलता था बच्चों को समझ में आ रहा है. तो व्हेन आई क्वालिफाइड तो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि लाइक दो चीजें थी. आइदर मैं अगर मेरे घर वाले ऑब्वियसली फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे. हर मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं जो सीए में आते हैं बहुत रेयर कुछ होते हैं जिनके पास पहले से फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो घर वालों की तरफ देखते तो अपने को लगता था जॉब करना था बट खुद की तरफ देख रहे थे तो नहीं नहीं यार टीचिंग में ट्राई करते हैं. तो वहां पे मेरे को टीचिंग में जाने के पीछे एक सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे ये मिला कि मैं चार्टर्ड था मेरे पास वो डिग्री थी. तो मैं ना हमेशा ये सोचता था अपने आप से जब मैं बात करता था ना कि यार भवर अपन फेल हो गए तो यार अपन टीचिंग में ट्राई तो कर रहे हैं बट अपन फेल हो गए तो फिर पीछे से दूसरा आंसर बंदा करता था मतलब खुद ही आंसर करता था मैं यार क्या फर्क पड़ता है डिग्री तो है कहीं ना कहीं काम करेंगे लाख रुपए तो कमा ही लेंगे 50,000 तो कमा ही लेंगे तो अपनी जिंदगी में सर्वाइव हो जाएगा. और उसके बाद में मैंने चालू किया. और मैं बताऊं सच बताऊं तो लाइक स्टार्टिंग के 3-4 साल है वो बड़े स्ट्रगल वाले रहे करके ठीक है बड़े स्ट्रगल वाले मतलब और वो होते हैं. अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा. मेरी एक स्टूडेंट है अभी क्लियर हुई साल भर पहले ठीक है और 2 दिन पहले उसका कॉल आया शी इज ट्राइंग इन टीचिंग करके लास्ट के 1 साल से. और वो रोली बहुत ज्यादा रोई मेरे सामने बोलती है सर मैंने तो ये सोचा था कि मैं टीचिंग में सक्सेसफुल हो जाऊंगी ये हो जाऊंगी लास्ट के 1 साल से ट्राई कर रही हूँ यूट्यूब पे भी लेक्चर डाल रही हूँ कोई नहीं देख रहा है ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है. मतलब यहाँ पे पेशेंस है ना वो बड़ा कम है. आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए. इस जनरेशन में एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है बच्चों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए. और अगर टीचिंग में भी आओ तो पैसा दिख के मत आना. ऐसा मत सोचना अपन कैलकुलेटर पे जो प्रोफेसर की इनकम निकालते हैं अच्छा एक बच्चे से इतना पैसा लेते हैं और इतना पैसा लेते हैं मल्टीप्लाई बाय इतने बच्चे करके ठीक है और मल्टीप्लाई बाय इतने बैच और यहाँ पे आने के बाद वो ई आ जाता है ठीक है. तो उसके लिए मत आना. आप ये सोच के मत आना सर आपका तो गिनना भी मुश्किल होगा शायद. अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है 2.5 लाख का. तो वैसी वाली चीज है. तो आप अगर आपको सच में लगता है ना तो यू शुड ट्राई. देख मैं बताऊ ना देख यार आगे जाना सक्सेसफुल होना कितनी पॉपुलैरिटी मिलना कितने स्टूडेंट मिलना वो सब ऊपर वाले के हाथ में है बट यू विल बी हैप्पी अगर तू टीचिंग में आया. अगर तुझे लगता है ठीक है यार थोड़ा कम कमा लेंगे वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग है ना करके ठीक है क्या फर्क पड़ता है थोड़ा कम कमा लेंगे अपनी छोटी कार रहेगी करके ठीक है बट क्या फर्क पड़ता है आप खुश तो रहोगे तो जो आपको सही लगे वो करो क्या फर्क पड़ता है. पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था सर. मैं सच बताऊं तो पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं था कि भाई क्या सीए होता है या सीए के बाद करती हुई क्या है करके ठीक है. तो पेरेंट्स ने तो मम्मी ने ये बोला था जॉब ज्वाइन कर ले ये वो ठीक है. फिर जॉब मिल नहीं रही तो जॉब मिल भी गई थी फिर मैंने वो छोड़ भी दी. घर वालों ने ये भी बोला क्यों छोड़ी. मैंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक कर लूंगा. पेरेंट्स का ऐसा कुछ ना तो प्रेशर था या पेरेंट्स को सच बताओ तो पेरेंट्स को पता ही नहीं था सीए क्या होता है करके ठीक है. उनको ये पता था सीए बन गया बंदा कुछ अच्छा हुआ है करके ठीक है अच्छी डिग्री है बट क्या होता है सीए काम क्या करता है वो पेरेंट्स को पता नहीं. गाँव में रहते थे तो उनको क्या ही पता होगा वहां कोई सीए आजू बाजू में ही नहीं है तो कैसे ही पता रहेगा सीए क्या करता है. ओके सर थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट बड़ी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. सर एक्चुअली मैंने जुलाई में एग्जाम दिया तो डीटी का मैंने प्रिपरेशन किया तो मैं रात को सोई नहीं और एग्जामिनेशन हॉल में सो गई. सो मैंने एक घंटा जितना ही पेपर अटेंड किया. सो वही है कि नहीं होता है डीटी का कोर्स कंप्लीट 1.5 डे में और पूरा प्लानिंग किया बट फिर भी नहीं हुआ. सो अभी एग्जामिनेशन है इलेक्टिव में. सो 3 डेज जितना टाइम रहेगा तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए डीटी. वो तो भाई एग्जाम के टाइम पे बताएंगे कि डीटी उस टाइम कैसे प्रिपेयर करना है बट अभी से आप ये ध्यान रखो मेरी बात सुनो. 2 चीजों पे ध्यान दो. एक तो सोने की ट्राई करो कम से कम ठीक है 8 घंटे ये सबसे पहला ट्राई करो जिससे कि एग्जाम में ना सो करके ठीक है. और दूसरी चीज आप जो प्रिपेयर करने का जो ट्राई कर रहे हो तो आप एटलीस्ट आपके पास अभी टाइम है आप है ना एक बार डीटी को रिवाइज करने की कोशिश करो 2 से 2.5 दिन के अंदर अंदर 2 से 2.5 दिन लेके और एक बार डीटी को रिवाइज करने की कोशिश करो और रिवाइज करके आप मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई वाला दे देना
जो भी नवंबर का मॉक टेस्ट पेपर रहेगा आप 2 दिन में रिवाइज करो और फिर आप मॉक टेस्ट पेपर के लिए अपीयर करो और उसके बाद आप देखो कि आपके साथ क्या हो रहा है करके, ठीक है? तो हो जाता है। दीति देख बड़ा है बट इतना भी बड़ा नहीं है। कल मैंने वो एक इंटरव्यू शान का लिया है जो बड़ोदरा से तुम्हारा बंदा है, वो बंदे को देखो, वो बंदा कितना सुलझा हुआ है करके, ठीक है? वो बोलता है मैं 2 बार रिवाइज कर लिया 1.5 दिन में करके, ठीक है? तो वो 2 बार तब हुआ ना जब उसने पहले 6 बार किया था, ठीक है? तो बहुत बार क्या होता है ना, जब आपने पहले पढ़ रखा होता है तो जब आप पेजेस देखते हो तो आपको पता चल जाता है यार इस पेज पे ये लिखा हुआ है करके। और कितना भी मैं बताऊं ना डिफिकल्ट पेपर आया, अगर आपके एफर्ट्स लगाए हैं आपने ढंग से 6-7 मतलब जो महीने है वो आपने उसमें डाले हैं तो आराम से क्रैक हो जाते हैं। यस ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बेटा। So if anyone has virtual queries also, we can solve it. The students who have joined virtually for them. And we have one more query. Hello, good evening, sir. Yes, good evening, beta. Sir, ek to aaj inter ka jo results aaye, usme jo pass hue unko very congratulations. Aur shayad mere jaise bhi jo baithe hain, jo aaj attempt lag gaya unka, mera group 1 clear ho gaya, group 2 mein mera attempt laga hai. Aur ab mera group 1 aaj hi clear hua hai. No, group 1 kab se ho gaya tha clear. और मैं ग्रुप 2 में नेगेटिव हुआ है रिजल्ट और मेरे फाइनल्स ड्यू है May 22 में, तो अब तो उस फाइनल्स के लिए तो टाइम है ही नहीं मेरे पास। बट सर अब फेलियर के बाद कैसे डील करना चाहिए ग्रुप 2 के लिए और फाइनल्स के लिए? देखो है ना, देखो अपने को है ना, अपन कितना भी मैं बोल दूं कि भाई अपने को बुरा नहीं लगना चाहिए, अपने को आप हंस तो सकते ही नहीं हो, ठीक है? सिंपल सी बात है, जब आपके पास साथ में गलत हुआ है मतलब आप फेल हुए हो तो मतलब कितना भी कोई मोटिवेट कर ले आपको 2 दिन जो है वो 2 दिन खराब होने ही वाले हैं, 1-2 दिन जो अपने को लगता है। बट मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये तुम अकेले नहीं हो, जब सीए का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट ऑब्वियसली कोई 100% तो रहता नहीं है, 80% स्टूडेंट वही रहते हैं जो फेल होते हैं उस अटेम्प्ट में करके, ठीक है? बट वो निकल जाते हैं अगर उन्होंने वहां से अपने आप को रीइन्वेंट किया। आप अपने आप को रीइन्वेंट करिए वापस से और बी मोटिवेटेड, और है ना एक बात समझ, जो हो गया ना उसको तू चेंज कर सकता है ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? yes, क्या हो सकता है, अपन फेल हो गए दैट्स इट खत्म, वो फेल होने की जो मार्कशीट है ना वो लाके और अपने उस पर चिपका दे करके, ठीक है? जहां तू पढ़ता है ना वहां चिपका देकर मैं इस बार फेल हुआ था, मुझे ये वापस मैं ऐसी मार्कशीट नहीं देखूंगा, और अपने एफर्ट्स लगाने चालू कर दे, ठीक है? बाकी सब चीजों को छोड़ लाइफ में और थोड़ा मोटिवेट रह करके, ठीक है? और मोटिवेट जो चीजें तुझे मोटिवेट करती है, बहुत बार लोगों को होता है किसी को मंदिर जाना मोटिवेट करता है करके, ठीक है? वहां उसको अच्छी फील आती है, उसके दिमाग को अच्छा लगता है, तो जिसको जो अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, 2-3 घंटे दिन में जो अभी है 2-4 दिन के लिए तू वो चीजें करेगा जो तुझे अच्छी लगती है, ठीक है? एंड डोंट डिस्कस विद एनी फ्रेंड्स एंड ऑल, ठीक है? ज्यादा तू ज्यादा डिस्कस करेगा ना वही फ्रेंड्स बोलेंगे मैंने बोला था ना ये कर ले वो कर ले तू नहीं कर सकता तेरे से नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, ठीक है? तो उसमें बहता जाएगा, ठीक है? वो और उसमें घी डालेंगे, ठीक है? तो बेटर है जस्ट स्किप दैट, स्विच ऑफ द मोबाइल करके डीपी वीपी निकाल दे करके, ठीक है? आजकल ये भी एक ट्रेंड है, डीपी वगैरह निकाल दे और डीपी निकालने के बाद बोल दे अनअवेलेबल और व्हाट्सएप बंद करके, और 2-3 महीने 3 महीने तो है, और ये 3 महीने मतलब बहुत कम टाइम है, 90 डेज ही है यार, 90 डेज है, फटाफट कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट बड़ी। Yes. Anyone else who has any query? सब लोग अभी 5 बजने आए हैं, घर पे जाना है उनको। अभी तो क्विज बाकी है। अच्छा ये क्या है, ये भी मतलब इसमें मेरे मैं तो नहीं चाहिए ना, तुम लोग करवा लोगे ना? सर फेलिसिटेशन के लिए अगर आप आ जाओ 5 मिनट तो। अरे रे 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 सच्ची मैं चाहता हूँ अभी आ जाओ, कल उठ के ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए ना कि यहाँ से अपन सोचे और अहमदाबाद आ जाए, ठीक है? अहमदाबाद वाले सोचे और यहाँ पे आ जाए, मतलब कितना अच्छा हो जाएगा ना यार, सब चीजें एकदम खत्म, मस्त मजा आ जाएगा, शायद ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। एनी अदर डाउट? कोई नहीं सर, एनी वे डोर डोरेमोन का गैजेट है ना। हाँ राइट। ओके सो ओवर टू यू शेली, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर सॉल्विंग एवरी क्वेरी सो डिलिजेंटली एंड सो नाइसली, ओवर टू यू शेली। थैंक्स अ लॉट बेटा, तुम अपने जो इतने एफर्ट लगा रहे हो इसमें ये सब इवेंट्स में लिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू।
हेलो और हमें दिख भी रहा है कि वो सारी चीजें जो सर ने बताई वो सारी सही है तो टू सी व्हाट इज राइट एंड नॉट डू इज अ लैक ऑफ करेज तो आई थिंक अभी जब सब फुल्ली मोटिवेटेड है एंड सबको पता चल गया है कि क्या चीजें करेक्ट हैं क्या चीजें करेक्ट नहीं है तो हमें उसी करेक्ट पाथ की टुवर्ड्स चलना चाहिए एंड नाउ सर को विल स्पेयर हिम एंड उनका जितना भी टाइम भी है वेस्टेड एंड तो Yeah, thank you very much, sir. Thanks a lot, Peter. Thanks a lot. बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर.